आज हम बनाते हैं लौकी की सब्जी। लौकी की सब्जी आपने कई बार खाई होगी। एक बार मूली वाला लौकी का सब्जी बना के देखिए। इसमें हम एक लौकी को छील करके धो करके काट लिए हैं और एक मूली है इसे भी हम काट लिए हैं। बहुत टेस्टी और हेल्दी होता है। तो गैस पर हम एक कुकर रखे हैं, उसमें हम 2 चम्मच सरसों का तेल डाले हैं और तड़का में सौंफ, जीरा, हींग और मेथी। लौकी है तो उसमें मेथी पड़ेगा ही। और ये हरा मिर्च, जिसमें हम ये मूली डाल देते हैं। एक बार बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में। आप इसे बार बार बना के खाइएगा। तो हम मूली को फ्राई होने देते हैं। मूली अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें हम ये लौकी डाल देते हैं। बनाना भी बहुत आसान है और टेस्टी भी उतना ही है। गैस का फ्लेम हम कम कर देंगे और इसमें डाल देते हैं हम नमक। नमक अपने स्वाद के अनुसार। हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच और इसमें हम डाल देते हैं 1 टमाटर। और ये कस्तूरी मेथी। और 1/4 छोटा चम्मच से गरम मसाला। बाकी इसमें कुछ नहीं डालेंगे। अब इसका हम ढक्कन बंद करके इसे 2 सीटी आने तक पकने देते हैं। सब्जी को हम खोल के देखते हैं। ये देखिए कितना अच्छा ये सब्जी बनके तैयार हुआ है। अब इसको हम और टेस्टी बनाने के लिए गैस पर एक कढ़ाई रखे हैं, उसमें हम घी डाले हैं 1 चम्मच। गैस को जला दिए हैं और घी को गर्म होने देते हैं। घी गर्म हो गया है, उसमें हम 1 चुटकी जीरा डाल देते हैं और ये सूखी लाल मिर्च। और इसे अच्छे से चटकने देते हैं हम। अब इसमें हम थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अब इसमें हम ये सब्जी डाल देते हैं। और सबको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार हुआ है। अगर आप बड़ा बड़ा पीस नहीं रखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कलछुल से इस तरीके से आप करते जाइए। ये सारा लौकी जो है छोटा छोटा हो जाएगा। लेकिन यह मुझे इसी तरीके से पसंद है। इसमें हम अदरक डाल देते हैं। और 2 मिनट के लिए इसे हम ढक के पकाते हैं।
दो मिनट हो गया है। ये देखिए सब्जी, इसमें हम धनिया पत्ता डाल देते हैं। कितना अच्छा लौकी का सब्जी बनके तैयार हुआ है, बिल्कुल टेस्टी सब्जी। तो अब हम इसे गैस बंद कर देते हैं और आपको प्लेट में निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सब्जी बना है। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। मेरे वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। फिर मैं आप लोगों के लिए नए नए व्यंजन लाते रहेंगे। फिर मैं अगले व्यंजन के साथ मिलूंगी। धन्यवाद।